गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज रिवीजन के पार्ट में हम चैप्टर वन से एक्टिविटीज़ फॉर इंट्राम्यूरल कंपटीशन के बारे में आपको बताएंगे एंड होप यू विल लर्न दैट। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच मे बी इंक्लूडेड इन इंट्राम्यूरल कंपटीशंस। द एक्टिविटीज़ फॉर इंट्राम्यूरल शुड बी सेलेक्टेड वेरी केयरफुली। मेनली द सेलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ should be based on two factors, interest of student and availability of facilities in the institution or school. Along with these, we should not forget the recreational aspect of intramurals. All the intramurals activities must provide recreation to the student. These activities should add in achieving the goal of education and contribute to general development of the students. Hence, the selection should be made out of the following categories of activities. इंट्रामूरल प्रतियोगिताओं में बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ या क्रियाएँ होती हैं जिनके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इंट्रामूरल के लिए जितने भी एक्टिविटी का सिलेक्शन हम करते हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक करते हैं और इन एक्टिविटीज़ का चयन दो जो एक्टिविटीज़ होती है इसको हम जो सेलेक्ट करते हैं तो हम दो चीज़ का ध्यान रखते हैं। पहला स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसकी जो रुचियां हैं, दूसरा विद्यालय में जो अवेलेबल सुविधाओं पर आधारित होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं स्कूलों पर उसके आधार पर होनी चाहिए। इन सब कारण से साथ साथ इंट्राम्यूरल में जो मनोरंजन और जो मनोरंजन का पहलू है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि उसमें रिक्रिएशन भी होना चाहिए। सभी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को भरपूर रिक्रिएशन मिल सके, प्राप्त हो सके और ये एक्टिविटीज़ एजुकेशन के टारगेट को प्राप्त कराने में बहुत ही सक्षम होनी चाहिए तथा स्टूडेंट्स के जनरल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन डिफरेंट टाइप वर्गों में किया जाना चाहिए। जैसे मेजर गेम्स, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, रेसलिंग, लॉन टेनिस, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बैडमिंटन, ETC। ये मेजर गेम यानी कि मुख्य खेल होते हैं। कौन कौन से तो ये आपको हमने बता दिया। माइनर गेम्स, शटल रन, खो खो, सर्किल गेम्स, टैग गेम्स, रोलर स्केटिंग, पोटैटो रेस, सैक रेस, थ्री लेग्स रेस एक्सेट्रा, तो ये छोटे गेम्स में आते हैं, माइनर गेम्स में आते हैं। फिर ये है रिदमिक जो लय में खेले जाते हैं, लयात्मक होते हैं। इनमें जैसे है लेजियम, डम्बल, मार्चिंग और फॉक डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस, मास, PT, रिदमिक जिमनास्टिक एक्सेट्रा। फिर होता है क्रिएटिव एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचरिंग, मेकिंग मॉडल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में बॉक्सिंग, जूडो, ताइकांडो, कराटे, ECT, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम आपको बताएंगे एक्स्ट्रा म्यूरल। व्हाट इज एक्स्ट्रा म्यूरल या मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल। द वर्ड एक्स्ट्रा म्यूरल इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा एंड म्यूरल्स। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड म्यूरल मीन्स वॉल। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर ए स्कूल, इट पॉइंट्स टुवर्ड द एक्टिविटीज दैट आर ऑर्गेनाइज बाई एन इंस्टीट्यूशन स्कूल एंड ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ टू आर मोर स्कूल पार्टिसिपेट इन देम। इन फैक्ट इन एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशंस द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल आल्सो पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशंस आर आल्सो कॉल्ड इंटर स्कूल कंपटीशंस। एक्स्ट्रा म्यूरल्स आर फिक्स्ड वेल इन एडवांस सो दैट स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल मे प्रिपेयर वेल फॉर सच कंपटीशंस। एक्स्ट्रा म्यूरल शब्द लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा व म्यूरलिस
वर्ड से बना है। एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहरी, आउटसाइड, व म्यूरलिस का जो मतलब मीनिंग होती है वो दीवार या वॉल। एक्स्ट्राम्यूरल का अर्थ उन एक्टिविटीज़ या क्रियाओं से है जो किसी विद्यालय या एजुकेशन सेंटर की जो चार दीवारी होते उससे बाहर की जाती है या खेली जाती है। इसका मीनिंग है कि ये एक्टिविटीज़ या क्रियाएं जो एक शिक्षण संस्थान या विद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है वह दो या दो से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। वास्तव में एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं में दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ होती है वो अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताएं भी कहा जा सकता है, और एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं जो अग्रिम रूप से अर्थात पहले की निर्धारित कर ली जाती हैं ताकि अन्य विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स हैं वो उस प्रतियोगिता के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और यही सारी एक्टिविटीज़ होती है जो इसमें एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन बच्चों को अच्छे कंपटीशन मिलते हैं और उनको थोड़ा सा अगर समय मिल जाए तो अपने खेल के स्तर को इतना लेवल बना ऊपर उठा लेते हैं कि हमको उनमें एक भविष्य का एक अच्छा एथलीट या भविष्य का एक अच्छा प्लेयर भी दिखने लगता है या मिल भी जाता है। तो हमें ऐसी प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशंस। एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशंस आर सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज विदाउट एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिमेन इनकम्प्लीट। द फॉलोइंग पॉइंट्स शो द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज कंपटीशंस। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शोकेस देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। इफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल हैव गुड स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज एंड शो गुड परफॉर्मेंस इन एक्स्ट्राम्यूरल इट विल एड ए फीदर टू द कैप ऑफ that institution. This will enhance the image of that institution. To provide opportunity to show to school. Extramural जो competition होते हैं विद्यालयों को अपने खेल से संबंधित क्षमताओं या योग्यताओं को प्रदर्शित करने के भरपूर अवसर प्रदान करती है। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थी खेलों के क्षेत्र में अच्छी योग्यताएं रखते हैं तथा एक्स्ट्राम्यूरल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे अपने विद्यालय व एजुकेशन सेंटर के ताज में चार चांद भी लगा सकते हैं। इससे उस विद्यालय की छवि में बढ़ोतरी होती है और उसको हर तरीके से मान सम्मान उसका बढ़ता है और इसको आगे भविष्य भी बहुत उज्ज्वल होता है। सेकेंड, इन्हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस through extramural competitions. The standard of sports performance can be enhanced, especially the losing individual or team can make strenuous efforts to improve their sports performance in the next extramural competitions. तो खेल के जो स्तर होता है उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता इस कंपटीशन के द्वारा खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी की जा सकती है। विशेष रूप से हारने वाली टीमें या हारने वाले विद्यालय अगले वर्ष आयोजित होने वाले इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को लेकर बहुत ही प्रेरित रहते हैं और अपनी हार का बदला लेने के लिए बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और फिर से पुनः उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इससे ये होता है कि एक अच्छे स्कूल को अच्छे विद्यार्थी को तैयार करने में एक अच्छा योगदान मिल सकता है और हमें भविष्य का एक अच्छा स्टार खिलाड़ी भी मिल सकता है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। एक्स्ट्राम्यूरल्स आर एसेंशियल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट्स। द टीम्स दैट आर नॉट फैमिलियर विद द अप्रोप्रिएट एज वेल एज एडवांस टेक्निक ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन इम्बिल
इम्बाइब सच नॉलेज बाई पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्राम्यूरल्स, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज, तकनीकों की उचित जानकारी, ये जो हेडिंग है इसका मतलब यह है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, तो जब तक खिलाड़ी को एक अच्छी टेक्निक नहीं मिलती खेलने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये एक्स्ट्रा म्यूरल जो कि स्पोर्ट्स होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं खिलाड़ी को टेक्निकल होने के लिए। और एक महान साइंटिस्ट ने भी कहा है कि यदि आप किसी भी खेल को खेलते हैं तो उस खेल की साइंस के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको खेल के साइंस के बारे में, उसके टेक्निक के बारे में नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे एक हवाई जहाज़ को किसी बिना रडार की सहायता से और बिना किसी पायलट की सहायता से उड़ा दिया जाए तो वो क्रैश हो जाता है। उसी प्रकार एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होता है, अगर उसको खेल के साइंस के बारे में, खेल के टेक्निक के बारे में नहीं बताया जाएगा तो वो खिलाड़ी भी कभी आगे खेल में नहीं बढ़ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खेल की टेक्निक के बारे में, उसकी स्किल के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में समय समय पर उसको बताना चाहिए। फिर फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफेक्टिव, एक्स्ट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कई सारे विद्यालय पार्टिसिपेट्स करते हैं और इसको अपने स्कूल के कार्यक्रम में लागू करना चाहिए, प्रभावी बनाना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल खेलों के आधार का विस्तार करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल के एम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट, इट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर स्कूल और एक्स्ट्राम्यूरल्स कंपटीशन, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाई पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्राम्यूरल्स द स्टूडेंट बिकम टेक्निकली एंड टेक्टिकली एफिशियंट इन रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स, दे बिकम स्किलफुल, दे डेवलप एबिलिटीज टू परफॉर्म वेल इन कंपटिशंस, इन द वे एक्स्ट्राम्यूरल्स इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों के स्तर में वृद्धि करना, जो इंटर स्कूल की जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विद्यार्थियों के साथ खेल में पार्टिसिपेट करना, उसमें अवसर मिलना और खेल के अवसरों में जो इंक्रीज़ होता है, बढ़ोतरी होती है। बहुत से विद्यालय जो ऐसे टूर्नामेंट में भाग नहीं लेते वे भी प्रेरित हो सकते हैं तथा उसका जो रिजल्ट है ऐसे विद्यालय एक्स्ट्राम्यूरल्स में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, खेलों के स्तर में वृद्धि करना अंतर विद्यालय एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। एक्स्ट्राम्यूरल में भाग लेने से विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने अपने स्पोर्ट्स को जो टेक्निक है, जो स्किल है, उसमें स्किलफुल हो जाते हैं, वे टूर्नामेंट्स में कुछ अच्छा कर गुजरने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राम्यूरल खेलों के स्तर को बढ़ाते हैं। टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस हैज़ इट्स वन वैल्यू इन एनी फील्ड, एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन सच कंपटीशंस बाई गेनिंग एक्सपीरियंस थ्रू कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स एग्जिबिट गुड परफॉर्मेंस इन कंपटीशंस, और विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना, किसी भी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना विद्यार्थियों का विशेष महत्व होता है और उनका अधिकार भी होता है। एक्स्ट्राम्यूरल उन स्टूडेंट्स के लिए अनुभव प्रदान करता है जो ऐसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक्सपीरियंस के कारण स्टूडेंट्स टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग आर फैटर्निटी, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग ऑफ फैटर्निटी इन स्टूडेंट्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशंस, भाईचारे व खेल भावना को विकसित करना ही इस एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट का मेन एम होता है।
तो स्टूडेंट्स में भाईचारे व खेल भावना को विकसित करना एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे टूर्नामेंट्स में भाग लेने के फलस्वरूप विद्यार्थियों को भाईचारा व खेल भावना का विकास होने लगता है। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, मैनी स्टूडेंट्स फ्राम वेरियस स्कूल्स पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा म्यूरल, अदर स्कूल दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा म्यूरल्स गेट मोटिवेटेड टू डू सो, दैट सच मोटिवेशन ब्रॉडनेस द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। तो खेलों के आधार पर स्कूल का विस्तार करना या विद्यार्थियों के टेक्निक को विस्तार करना तो एक्स्ट्रा म्यूरल का एक अनइम्पॉर्टेंट रोल है, एम है। डिफरेंट विद्यालय से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं, जो अन्य विद्यालय जो इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते हैं उनको भी प्रेरित कर देते हैं, और इस प्रकार खेलों में एक अच्छे युग का आरंभ होता है और हमेशा खेल से स्कूल आगे बढ़ता है। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक, नए नियमों व नवीन तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना, नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स रेगुलेशन एडवांस टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू द स्टूडेंट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल। स्टूडेंट कम्स टू नो अबाउट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दे लर्न न्यू टेक्निक्स एज वेल एज टैक्टिक्स विच एनेबल देम टू परफॉर्मेंस एफिशियंटली एंड दस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को खेलों के नए नियमों और उसके जो क्रियाकलाप हैं न्यू टेक्निक्स टैक्टिक्स की उचित जानकारी प्रदान की जाती है, ये एक्स्ट्रा म्यूरल का भी एक मेन उद्देश्य है। इसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट हाई स्पोर्ट्स में न्यू लॉज के तहत नए नियमों के तहत बहुत उचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और नई तरीके के जो टैक्टिस है युक्तियाँ होती हैं उनको सीख जाते हैं, उसके परिणामस्वरूप जो उसका रिजल्ट आता है बहुत सुखद होता है, और खिलाड़ी भी स्किलफुल हो जाते हैं तथा अपने प्रदर्शन में सुधार कर लेते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, कल हम आपको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्पोर्ट डे हेल्थ रन रन फॉर फन रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी के बारे में कल बताएंगे, और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपको अभी तक ये चैप्टर कैसा लगा हमें अपनी राय बताइएगा, और उसके अलावा आपसे अभी जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा हम आपका एक टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट के आधार पर ही हम आपको सेकेंड चैप्टर में एंट्री कराएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।